तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, जैसे कि अगर टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन है या फिर खेत की मापी आप करने जा रहे हैं तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे कि देख सकते हैं इस टाइप का कुछ ज़मीन हो टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, तो इसके लिए आपको कैसे निकालना है इसका एरिया, तो वो हम इस वीडियो में बताएंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे कि आप जान लीजिए, ए से बी की दूरी, बी की दूरी जो है 65 फीट दिया हुआ है, ए से डी 35 फीट है और सी से डी 40 फीट है, बी से सी 25 फीट है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना कैसे निकाले हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, बी और डी पे एक लाइन ड्रा कर देनी होगी और बी सी डी को एक राइट एंगल बना लेना होगा। तो वैसा ही हमने किया, देख सकते हैं बी सी डी राइट एंगल बन गया। अब ये क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है यहाँ पे, बी सी डी एक पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट जो है वो बन गया बी ए टी, ठीक है, बी डी ए। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क जो है उसको पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकाल लेना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है पाइथागोरस फॉर्मूले में लगा देना है, जैसे कि बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस बी सी सी डी स्क्वायर से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो 47.17 आया, लेकिन हम इस क्वेश्चन मार्क को 47 रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय भी हमने कई वीडियो बना रखा है, लेकिन वो निकालना आप वहाँ से सीख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 47 आ गया। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि एरिया कैसे निकालें। एरिया हीरोन फार्मूला एक आता है, उसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो वेयर एस इज हाफ द पेरीमीटर, ठीक है, जो अर्ध परिमाप इसका है वो ले लेंगे। तो पहले पार्ट का हम पहले चलते हैं बी सी डी का, 25 प्लस 40 प्लस 47, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 56 आ जाएगा, और इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा 499.98 स्क्वायर फीट आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा वाला चले हम, एस निकाल लिया हमने 74, ठीक है, एस के जगह पे 74 रख दिया, एस माइनस से एक पार्ट माइनस किया 65 को तो 9 आ गया, फिर 74 में से 35 माइनस किया तो 39 आ गया, फिर 74 में से 47 माइनस किया 27 आ गया। तो उसके बाद इसका रूट जब निकाला हमने तो आ गया 837 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लेंगे, जब दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल एरिया हमारा आ जाएगा, पहला कितना आया था 49.9, 499.9, तो उसको हमने 500 ले लिया, और दूसरे पार्ट का 837 स्क्वायर फीट आया था, तो दोनों को जोड़ा जब हमने तो 1337 स्क्वायर फीट आ गया। तो हीरोन्स फार्मूला से बहुत ही ईजी तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा एरिया हो तो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।